अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं माय चैनल क्रिकेट फॉर शायद। दोस्तों आज बात करेंगे अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन आया है राशिद खान के बेहतरीन स्पेल पर। पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप भी राशिद खान के असली फैन है तो इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो दोस्तों अगर बात करें राशिद खान की आज बेहतरीन स्पेल के बारे में, जिसने बिग बैश लीग में एक अच्छी परफॉर्मेंस पेश की। अगर बात करें दोस्तों, बहुत फैंस बहुत ज़्यादा शौक है राशिद खान की इस परफॉर्मेंस पर। और दोस्तों अगर देखा जाए पाकिस्तान में ट्रेंडिंग पर है राशिद खान, जिस पर एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस राशिद खान ने पेश की। हर जगह पर देखा जाए तो दोस्तों बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशन राशिद खान को मिल रही है हर जगह से। पाकिस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्टों ने एक बहुत अच्छा रिएक्शन पेश किया है। इंडियन जर्नलिस्टों ने भी राशिद खान के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। समीन राणा जो लाहौर कलंदर के सीईओ है, उसने भी राशिद खान के लिए एक बहुत अच्छे ट्वीट्स किए हैं। यकीनन दोस्तों हर जगह पर देखा जाए तो राशिद खान ने तबाही मचा दी, यानी धूम मचा दिया। एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पेश की, जिसने दोस्तों 6 खिलाड़ी को आउट कर दिया। यकीनन एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस राशिद खान की तरफ से आज आई। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा शौक है राशिद खान की परफॉर्मेंस से। उसने ये भी कहा कि लाहौर कलंदर में भी राशिद खान शामिल होंगे और पीएसएल में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस राशिद खान पेश कर सकते हैं। एक बहुत अच्छे लेग स्पिनर है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का ये भी कहना है कि एक अच्छे स्पिनर है राशिद खान, एज ए स्पिनर है जो हर लीग में अच्छी परफॉर्मेंस पेश करते हैं। फैसल इकबाल जो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं, दोस्तों उसने भी राशिद खान की बहुत ज़्यादा तारीफ की, यानी राशिद खान के लिए एक अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो दोस्तों ये ज़रूरी खबर आपको बताई थी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों आप भी जरूर कमेंट करें। खुदा हाफिज़।